शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना वेंकटेशम ननादो ननाधेश्वराय नमः। सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। अंधे कहीं के देखकर कार नहीं चला सकते। मेरी रानी, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। आपने मेरी बच्ची को सही समय पर बचाया। पास में ही मेरा घर है, कुछ खा कर जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ भाई, क्या बात है? कुछ नहीं मैडम, आपने भाई कहा तो अपनी बहन याद आ गई। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं गांधी गाँव से आया हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। ग्रेजुएट हूँ लेकिन सड़कों पर भटक रहा हूँ, चलता हूँ। एक सोडा देना। क्या भैया, हर दिन की तरह आज भी नौकरी नहीं मिली क्या? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी कहाँ मिलती है। आमा यार, तुम अपना ये पिटारा लेकर क्यों घूमते रहते हो? इसे यहाँ क्यों नहीं रख देते? अगर सूटकेस खाली होता तो मैं इसे यहाँ पर रख सकता था, लेकिन इसमें बहुत कीमती सामान है। हेलो, मैं रजनीनाथ हूँ। हाँ छोड़ो। क्यों? ये सूटकेस मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूँ? सूटकेस मुझे दो, चल फूट। पुलिस, मेरा सूटकेस वापस दो। क्यों क्या रहे हो? ये मेरा है, वापस दो। ठीक है जाओ। रुक रुक रुक, ऐसे जाएगा तो करेगा कैसे? जल्दी आना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये बार बार थैंक्स क्यों कह रहा है? अरे छोड़ो, मेरे सूटकेस के पीछे क्यों पड़े हो? पुलिस पुलिस पुलिस। महाभारत, भगवत गीता, ये सब क्या है भाई? इसके लिए तुम पुलिस पुलिस चिल्ला रहे थे। तुम्हें क्या लगा इसमें पैसे हैं? तुमने दुकान में क्यों कहा था कि इसमें बहुत कीमती सामान है? इससे ज्यादा कीमती सामान कुछ हो सकता है क्या? है? इसे कबाड़ में बेचकर तुम्हें क्या लगता है 3 रुपए भी मिल पाएंगे? मैं इसे बेचने नहीं, काम ढूंढने आया हूँ। एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ, अच्छा काम दूंगा, भरोसा रखो। तुम पे भरोसा? सोच लो, मुझ पर भरोसा करोगे तो फायदे में रहोगे। आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। ये मेरी जगह है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही मंत्री। और रानी कहाँ है? रानी तो नहीं है। सारी चीजें अपनी जगह पर रखी जरूर हैं, लेकिन इस जगह को मैच नहीं करती।
मैच कैसे करेंगी? मैंने अलग अलग जगह से चुराई हैं। क्या कहा? ये सब चोरी की चीजें हैं। मुझे छोड़कर। चोरी करना तुम्हारी आदत है या तुम्हारा पेशा है? ऐसा काम करना मेरी मजबूरी, लेकिन अब तो धंधा बना लिया है। ए राजू, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ये सब करके पाप कर रहे हो? क्या फालतू के जोक मार रहा है? पाप और गुण कुछ नहीं होता, ये शब्द डरपोक लोगों के हैं। इस चक्कर में मत फंसो, मैं जो कहता हूँ वो करो। ठीक कहते हो, लेकिन ये सब छोड़कर ईमानदारी से काम करोगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे दोस्त। ये सब क्वालिटी गांधी, जीसस, मोहम्मद में थी, लेकिन क्या हुआ उनका? एक को गोली मार दी, एक को फांसी पर लटका दिया और एक को पत्थरों से मार दिया, आप तुम बोलो। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोग उनको पूछते हैं। क्या मुसीबत है, मैं गांधी बन जाऊँ क्या? तुम बोलो। दूसरों की भलाई के लिए हम काम करेंगे तो हमारी पूजा करेंगे सब लोग बच्चा? पांच पैसे भी नहीं देगा कोई हमें? मुझे अपना स्टैचू नहीं बनवाना है यहाँ पर, मेरे लिए जरूरी है मेरा पेट भरा रहे। हाँ, हाँ? पुलिस गई, चली गई। ये हाँ? क्या चोर कोई और पकड़ा जाता है और परेशान तुम होते हो? पुलिस की सीटी सुनते ही तुम्हारी सीटी बज जाती है और बातें करते हो गांधी, जीजस और नबी की। हाँ? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम इतना सारा कमाते हो और तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं है? छोड़ो यार, तुम क्या जानो, मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं रास्ते में कुत्तों की तरह भटकता था, न जाने कितनी जगह काम मांगने के लिए गया, बहुत कुछ सहा मैंने, इसी का नाम जिंदगी है, लोगे क्या? मैं नहीं पीता, अब समझ में आया कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, यहाँ का टीचर मैं हूँ, तुम जब से आए हो एडवाइस पे एडवाइस दिए जा रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। चलो सुनाओ। एक औरत थी जिसके एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में शराब थी। तभी वहाँ एक आदमी आया जो तुम्हारी तरह था। उस औरत ने कहा, या तो इस बच्चे को मार दो, या मेरा रेप करो, या फिर ये दारू की बोतल पी जाओ, अगर इनमें से कुछ भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ये सुनने के बाद वो आदमी डर गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि खून करना तो महापाप है और रेप करना उससे भी बड़ा पाप, इससे अच्छा है शराब पीना। और ये सोचकर वो शराब की पूरी बोतल पी गया और शराब पीते ही उसे नशा चढ़ गया। उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा, उसने औरत के साथ रेप किया और बच्चे को भी मार डाला। शराब जो है सभी बुराइयों की जड़ होती है, पाप का कारण है। ये शराब अच्छे इंसान को बुरा बना देती है, शराब इंसान को तबाह कर देती है। जिस दिन शराब छोड़ोगे ना, तरक्की कर जाओगे। प्यारे, तुम्हारी कहानी में दम है, तुम्हारा नाम क्या है? रजनीनाथन। रजनीनाथन, बहुत पुराना हो गया है, अब तो सिर्फ रजनी कहो। रजनी, हमारी ताकत 10 लोगों के बराबर होती है जब हाथ में पैग होता है। रजनी, पैग अंदर गया नहीं कि सच्चाई बाहर आई। जब तक ये किताब मेरे हाथ में है, समझो दुनिया मेरे हाथ में है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान अगर वास्तव में होते तो भक्त लोग बोतल पर उनकी तस्वीर नहीं छापते, पैकेटों पर उनके नाम नहीं होते, क्या बोलते हो? तुमने अपनी जिंदगी का जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ता है। तुम चाहो तो रास्ता बदल सकते हो। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर जरा भी पछतावा है तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास तो खुद काम है नहीं, मुझे काम दिलाने की बात कर रहे हो। तुम मुझे ज्वाइन कर लो और मेरे पार्टनर बन जाओ। देखो राजू, रात में यही रुको, कल हम बैठ कर बात करेंगे। हाँ, मैं यही रुकूंगा, पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम खुद को बदल सकते हो तो मेरा वादा है कि मैं यही रुकूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो तुम मुझे बदलना चाहते हो, देखता हूँ तुम बदलते हो या मैं बदलता हूँ। मेरे दोस्त राजू, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी सलाह ने मेरी राह बदल दी है। आज से मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारे घर का सामान चुरा कर कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रजनी, तुम मुझे बदलने चले थे और खुद बदल गए।
मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, आपको अभी बताता हूँ। ओ भगवान हम नादान है जान ले, तेरी शरण में आए हैं हमारी बात। मैं नाचू झूमू गाऊं, सबको मैं डिस्को दिखाऊं, सबको अपना दीवाना बनाऊं। मम्मी मुझे भूख लगी, थोड़ा खाना दे दो मुझे जल्दी। सुरेश थैंक यू सर। मुझे लगता है यहाँ रोज रोज खुदा नहीं आ जाता। सबको लेके वहाँ ले चलो। अरे उधर चलो जी फसा। कौन है तू? दिखाई नहीं देता क्या? मैं भी एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह। गाड़ी से दूर हट जा। अच्छा तो एक कार तुम्हारी है? हम तुम्हें यही ढेर कर देंगे। देखता हूँ कौन किसे ढेर करता है। अपनी ताकत का बहुत बड़ा घमंड है। ए मारो इसे, मारो। कोई बात नहीं। कौन थे वो लोग? हमें नहीं मालूम, रास्ता रोककर किडनैप करने की कोशिश की, आपने बचा लिया हमें। क्या ठीक है, अब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलो घर चलते हैं। आओ भाई चलते हैं। हाँ। भाई साहब ये है हमारा घर। घर तो बहुत ही सुंदर है। घर तो अच्छा है लेकिन न यहाँ शांति है न सुकून है। कौन थे वो लोग? तुमने कुछ देर पहले देखा नहीं, एक गैंग मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोके पड़ा है। क्यों सर, कौन थे वो सब लोग? मेरे हजारों दुश्मन हैं। अब वो लोग कौन थे मैं आपको उनके बारे में कैसे बताऊं? ठीक है लेकिन उन्हें इस बच्चे को किडनैप करके क्या मिलेगा? मेरी ये दौलत उनको मिलेगी, पता है?
अब लक्ष्मी कभी माँ नहीं बन पाएगी, डॉक्टर ने कहा है। इसलिए वो मेरे बच्चे के पीछे रात दिन हाथ धो के पड़े हैं। मेरा कोई वारिस न रहे, इसलिए वो इसे मारने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको अपने बच्चे के लिए बहुत सावधान रहना होगा। बहुत सावधान है हम लोग, इसलिए हम लोग इसको बाहर भेजेंगे पढ़ने। मैं अपना सारा ये बिजनेस किसी और के हवाले कर मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? काम ढूंढना ही अब मेरा काम बन गया है। अच्छा, तो आप यहीं क्यों नहीं रह जाते हमारे साथ? मैं यहाँ चुपचाप नहीं रह सकता, मैं कुछ काम करूंगा, कोई भी काम। तो हमारे बच्चे के लिए एक टीचर की जरूरत है, आप हमारे घर में रहकर इसकी टीचर बन जाइए और साथ ही बॉडीगार्ड भी, ठीक रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सुरेश, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आप तो बहुत अच्छी फाइट करते हैं अंकल। तो आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड भी और गार्ड भी। चुप रहो, तुम लोग मार खा के आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सर, वो मामूली आदमी नहीं था, बहुत भयंकर आदमी था। डाडा, मामूली इंसान नहीं है वो, तो क्या भगवान है वो? इडियट्स, तुम सब लोग किसी काम के लायक नहीं हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नाउ यू डू वन थिंग, जाओ और उस औरत के उस क्लब को तुम लोग बर्बाद कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। ओके, जाओ। ओ डियर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कर्जदारों से परेशान हो चुका हूँ। मैंने सोचा था उस बच्चे को किडनैप करके मैं लाखों रुपए कमा कर ऐश करूंगा, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, मेरा प्लान फेल हो गया। मैं उस गंगा के क्लब को बर्बाद कर डालूंगा। तुम बड़े घूर के देख रहे हो, तुम लोगों ने गाना क्यों रोक दिया? ए, गंगा का मामा हूँ मैं, समझे? ए, हम लोग गंगा के बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा, क्या रे, जरा तमीज से बात करो नहीं तो जबान खींच लूंगी। बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। गंगा का मामा हूँ मैं, समझे? लाखों रुपए खर्च किए इस क्लब को चलाने के लिए, समझ गई ना तू? ए चिकनी, लड़की है लड़की की तरह रह, उठा के ले जाऊं। तुझे बोला ना, चल फुट ले इधर से निकल। लड़की ने बोला ना तुम्हें याद हो? क्या कर, क्या? उन सबको जाके बता दो, जॉनी चाचा कभी किसी से लड़ने नहीं जाता, अगर कोई ललकारता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। क्या आपने आपको याद रखना, तू समझ गई? आ गया ना मजा तेरे को? निकल इधर से। तो मामा, मामा हम इनको मजार चखाएंगे, चाहे जो भी हो जाए मैं छोड़ूंगी नहीं इनको। मैं बताता हूँ, क्या मैं बताता हूँ, सिर्फ एक ही आदमी है जो उनको खत्म कर सकता है। क्या
4443444 फोन लगाओ उसे, सबकी छुट्टी हो जाएगी। बस 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 बस। हे, तुम लोगों में से रवि कौन है? पहले ये बता तू कौन है? कौन मैं? क्या है? नाम है रजनी, फोन नंबर 4443444। दैट्स गुड। तो आप हैं मिस्टर रजनी? हाँ, मेरा ही नाम है। आई एम रवि। अभी थोड़ी देर पहले प्रीति क्लब में तोड़फोड़ हुई थी, मैं उसका हिसाब करने यहाँ आया हूँ। हिसाब अकेले में करोगे या यही सबके सामने कर दो? अकेले में करते हैं ना। दैट्स गुड। क्या बात है बोलो। तुम्हारे आदमियों ने प्रीति क्लब में जाकर वहां पर तोड़फोड़ की है ना? उससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, वो लड़की तुम्हारी कुछ लगती है क्या? नहीं लगती तो कुछ नहीं है। तो फिर क्यों बीच में पड़ रहे हो? ये मेरा पेशा है और मेरा नाम है रजनी द बॉस। तो तुम फाइटर हो? मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें उस लड़की से भी ज्यादा पैसा दूंगा। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है, मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ गद्दारी नहीं करता, मुझे इसी काम का पैसा मिलता है। हेलो हेलो, क्या बोला तुमने? तुम्हारे आदमियों ने उस क्लब में बहुत नुकसान किया, इज्जत से उसकी भरपाई करते हो या अपने तरीके से ले लूं? क्या तुम ले सकते हो? ले सकता हूँ, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें से मेरे हिस्से का दे दो। थैंक यू। मुझे तुम्हारी औकात पता थी इसलिए सीढ़ी से आया। तो प्रोग्राम शुरू किया जाए? का ये प्रोग्राम तो मैं मारकर खत्म करूं क्या? शुरू करूं no, क्या? नो 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 नो, टेक इट इजी ब्रदर। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत की ना तो हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझ गए ना? मेरा नाम है रजनी। अटैक।
ये आदमी हमारे बहुत काम का है। अरे भाई, हम जैसे लोग बियर पीते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम? गंगा, उसने मेरे सिर पर चिपका गंगा। अरे रे, आप हैं? आइए बैठिए, बैठिए ना। कुर्सी कहाँ है यहाँ? बैठने के लिए कह रही है। हाँ, उसने मेरी सारी चीजें तोड़ दी। हैं? तो तुम ही इस क्लब की मालकिन हो? यस सर। अंकल, क्या एक कोका कोला लेके आओ। सिर्फ कोला? अरे जब तक उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। क्यों सर? ये खिसकेला तेरा अंकल है? हाँ, यही है। और ये लोग कौन है? जॉनी जॉनसन, गंगा का भाई। अबे दूंगा। एक अंकल, तीन शराबी भाई और ये क्लब चलाने वाली लड़की। अगर मुझे पहले पता होता तो ये काम मैं कभी भी नहीं करता। हा? एक लड़की को गृहस्थी चलानी चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए, और तुम अंग्रेजों की तरह जो इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, अपनी शर्म हया बेचकर उन अंग्रेजों की तरह उटपटांग कपड़े पहनकर ये क्लब चला रही हो। अरे लानत है तुम पर, तुम तो भारतीय संस्कृति के नाम पर एक कलंक हो। जाओ, कपड़े बदल कर आओ। सुनाई नहीं दे रहा? मैं अपना पेट पालने के लिए काम करती हूँ, क्या गलत? और भी बहुत सारे काम है, सफाई करो, सब्जी बेच सकती हो, किसी अच्छे काम में मन लगाओ। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? अगर बर्तन मांजूंगी तो भी लोग मुझे बुरी नजर से देखेंगे, सफाई करूंगी तो भी लोग बुरी नजर डालेंगे। जो लोग यहाँ आते हैं वो फिर भी अच्छे हैं। ए, तुम चाहे कुछ भी कह लो, औरतों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। अगर वो मर्यादा में रहेगी तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। औरत के ऊपर तो साड़ी ही अच्छी लगती है। जाओ कपड़े बदल कराओ, पैंट कुछ दिन चलेगा, साड़ी हमेशा चलेगी। ये लो, ये तुम्हारा पैसा, मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, वन मिनट। ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम रख लो। ये पैसे अपने पास रखो, एक साड़ी खरीद लेना, अच्छे से पहनना, एक बिंदी लगाना और गजरा भी, ताकि सड़क से गुजरो तो लोग तुम्हें देखकर प्रणाम करें। तुम? क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही हो। ये गजरा, ये साड़ी, आज कुछ खास है क्या? आप किसके बारे में सोच रहे थे? सोच रहा था है? एक बात अच्छी तरह समझ लो कि रजनी लोगों के बारे में नहीं सोचा करता, लोग रजनी के बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंगा को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम मुझे समझती क्या हो? तुमने मुझे गलत समझा है। मैं गंगा नहीं, उसकी बहन कंगना हूँ। अरे अरे अरे, इतना पानी तो म्यूनिसिपैलिटी के नलों में भी नहीं आता जितना तुम्हारी आंखों से गिर रहा है। तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो? जब मैं सोचती हूँ मेरी बहन अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है तो परेशान हो जाती हूँ, और जब उसके कारण मुझे परेशानी होती है तो बहुत दुख होता है। क्या तुम सच में गंगा नहीं हो? मैं इस प्रसाद की कसम खाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरी बहन की मदद की, उसी का धन्यवाद करने आई हूँ। ये लीजिए प्रसाद। मैं सच बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उस लड़की की बहन इतनी अच्छी भी हो सकती है, एकदम अलग। नहीं, वो भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। अब वो छोटी बच्ची नहीं है कि मैं उसे मार पीट कर समझा सकूं। अब उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने पड़ेंगे। तुम उससे नहीं बोल सकते हो, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना। कहाँ है, कहाँ है? सुनिए, आप उससे गुस्सा मत होइएगा। सवाल मेरे गुस्से का नहीं है, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा करूँगा कि घर से बाहर ना निकले। आप चलिए। आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। आय हाय, आय हाय, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। आह, कितनी भोली, कितनी प्यारी है, कितना प्यारा चेहरा है, मंदाकिनी लगती है, इंद्र की अप्सरा लगती है, मेनका की तरह सुंदर भी है, देवियों में देवी है, बिल्कुल जैसे महालक्ष्मी। मेरा घर पवित्र हो गया, कोई भी इसके लिए जिंदगी भर गुलाम बनकर रहेगा, माँ की कसम खाकर कहता हूँ। अंकल, क्या अंकल, आप अकेले खाना खा रहे हो? मुझे भी भूख लगी है। अंकल प्लीज दो ना, मुझे भी भूख लगी है। अंकल, आप अकेले पूरा खाना खा लोगे, मुझे नहीं दोगे क्या? अंकल प्लीज। सुरेश, उन्हें भूख लगी है, खाने दो ना उन्हें, मैं तुम्हें खिला दूंगी, आओ मेरे पास खाओ बेटा। मैंने खाना जानबूझकर नहीं खाया, बच्चे के बहुत से दुश्मन हैं,
मुसीबत किसी भी समय आ सकती है। वो लोग इसके खाने में जहर भी मिला सकते हैं। बस इसीलिए मैंने पहले खाना खाया। अगर आपको लगता है मैंने गलती की तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। गलती मेरी थी, मैंने ही आपको गलत समझा कि मेरे बच्चे को आपने। अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं तो मैं वचन देता हूँ सुरेश का बाल भी बांका नहीं होगा जब तक मैं उसके साथ हूँ। ए, ये क्या म्यूजिक क्यों बंद किया? अपने घर की मान मर्यादा छोड़कर तुम यहाँ पर डांस कर रही हो? आप लोग बैठिए बैठिए। क्या है, तुम इस क्लब के मालिक हो या मेरे हस्बैंड हो? अगर इस क्लब का मालिक मैं होता तो कब का इस बिल्डिंग को गिरा चुका होता, और अगर मैं तुम्हारा पति होता तो कब का तुम्हें यहाँ से खींच कर ले जा चुका होता। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? हुशियारी दिखा रहे हो, चलो अपने पत्ते दिखाओ। जानी छोटी मक्खी बहुत उछल रही है। ए, जानी के सामने कोई उछलता नहीं है, समझा क्या? ए जानी तुम कमाल की हो यार। ए, हट, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि जुआ खेलो, तुम इनकी तरह हो गए हो क्या? ए, तुम जितने मोटे हो तुम्हारा दिमाग भी उतना ही मोटा है, क्यों रे? तुम वो हो नहीं जो दिखते हो। ए, अब मजा आएगा। तू मुझे जानता नहीं है। रजनी दी बॉस, चल निकल। ए, ए, थैंक्स। एक मिनट इधर आओ। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम मेरे क्लब में? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? चलो फुटो यहाँ से। किस लिए? हाँ चला जाऊँ? हाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ से सबको भगा के जाऊँगा। अच्छा समझी तुम, मैं बहुत अच्छा जुआ खेलता हूँ, सबको हरा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बहन से मिलने आया था और यहाँ पर आकर देखता हूँ कि तुम इन लोगों के बीच में डांस कर रही हो। शर्म नहीं आती? बड़ी बदतमीज हो गई हो। शर्म करूंगी तो पेट कैसे भरेगा? होगी वो अच्छी लड़की, मुझे उससे क्या? तुम उससे शादी करने वाले हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बहन के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, अपना नाम खराब कर रही हूँ ताकि उसे एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए और उसका घर बस जाए। जरा साफ साफ बताना। तुम बॉस हो ना, तुम नहीं समझोगे। तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो क्या, बिना दहेज के? एक अनजान लड़की से जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे जाओ, तुम जिस दिन मेरी बहन को बिना शर्तों के अपना लोगे ना, उस दिन क्लब बंद करके घर का कामकाज शुरू कर दूंगी। हिम्मत है क्या? हिम्मत नहीं, दिल होना चाहिए। अरे दिल यहाँ के वहाँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसने तो तुमसे अच्छा सवाल किया था लेकिन तुमने अच्छा जवाब नहीं दिया। सुनो, ये बॉस कहलवाना छोड़ दो और अच्छे से सोच कर फिर जवाब दो। तू इधर आ रहे, देखो सब लोग बोर हो रहे हैं, कुछ झिंचका 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 डांस करो ना। अरे झिंचका करो ना, डांस करो ना। तुमने देखा ना? अच्छा आप हैं, मैं पूजा कर रही थी। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब छोड़ दो छोड़ दो। मैं पूजा इसीलिए करती हूँ क्योंकि प्रार्थना करने से ही मेरे दिल को शांति मिलती है, और उधर मेरी बहन रात भर जुए का क्लब चलाकर पैसा कमाती है। वो ये सब तुम्हारे लिए करती है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके घर आने के बाद मैं क्लब गया था और आपकी बहन को मैंने बहुत उल्टा सीधा बोला, वो बहुत डर गई। हाँ, और तब मैंने उससे दिल की बात पूछ ली। तुमने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वो ये काम छोड़ देगी। क्या शर्मा रही है? आप ही ना बस। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तुमने भी वही किया
जो दूसरों ने किया। तुम रजनी को नहीं जानती, वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, समझ गई क्या? मेरा स्टाइल है, समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं? तैयार हो जाओ। अरे तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन से शादी की बात करनी है। हम दोनों एक साथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप समझिए, ये कभी नहीं हो पाएगा। चुप हो जाओ तुम। रजनी के लिए दुनिया में कोई भी बात असंभव नहीं है। मामा, ये मेरी बहन के सामने मुझसे शादी करना चाहता है, क्या ये संभव है? अब ये मामला मेरी समझ में आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मिस्टर रजनी, इसकी बहन को तुमसे मिलाने में नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। वो लड़की चालाक और भयंकर धोखेबाज भी है। जींस पहनकर मटक मटक कर डांस करती है, क्या उसे घर पर ले आए? कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो हम लोग चलते हैं। अच्छा बोलो गंगा, हम एक चालाक और फ्रॉड लड़की से मिलने के लिए जाएंगे, क्या ये ठीक होगा? हम उस चालाक लड़की से जरूर मिलेंगे। अच्छा ऐसी बात है? हाँ। मिस्टर रजनी, क्या तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया? हाँ दे रहा हूँ। बहुत साफ दिल है तुम्हारा, क्या हम चलें? हाँ चलिए। मिस्टर रजनी नाथन चलो। हाँ मैं लौट कर आता हूँ। बापरे मामा, तुम्हें क्या हुआ मामा? गंगा, उसने मुझे पिलाकर पूरा का पूरा सच उसने मुझसे उगलवा लिया, और रजनी ने मुझसे जो पूछा पूरा का पूरा सच मैंने उसे बता दिया। मैंने तेरे साथ धोखा किया रे। तो मुझे बेवकूफ बना रही हो, अपने आप को समझती क्या हो? दूंगा तुम्हें। चुप। मिस गंगा, मिसेज रजनी बनके आज दंगा करेगी। गंगा, जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन से मेरा ये दिल जोर से धड़कने लगा था। तुम क्या जानो मैं वो परवाना हूं जो जलकर भी क्षमा का साथ नहीं छोड़ता। इस समय मेरा अच्छा समय तुम्हारे अंकल की वजह से चल रहा है। देखो, एक अच्छे दिन, एक अच्छे मुहूर्त पर मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। क्या क्या मतलब उठा के? अरे मेरा मतलब तुमसे शादी से। क्या मुझसे ही कहना काफी है? तो फिर किसको बताओ? सबको बताओ कि हम शादी कर रहे हैं। बताऊंगा पूरे शहर, हर नुक्कड़, सारे संसार को, सबको, पूरी दुनिया को। तू है दिलरुबा। वेलकम मिस्टर रजनी, वेलकम। थैंक यू। हे नॉटी मैन, क्या तुम समझ गए थे कि ये फोन मैंने ही तुम्हें किया था? और अगर मैं हाँ बोलूं? हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था इसलिए फोन पर अपना नाम नहीं बताया। फालतू की बात छोड़ो और काम की बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गए क्या? मुंह मांगी कीमत दूंगा। कीमत देकर तुम मुझे खरीद नहीं सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, चलता हूँ। रुको रुको रुको। ठीक है, लेकिन तुमको काम वही करना होगा जो काम मैं बोलूंगा। ठीक है फिर जल्दी बताओ कि किसके हाथ पैर तोड़ने हैं मुझे। फाइट नहीं करनी है, एक बच्चे को पकड़ कर यहाँ पर लेकर आना है। किडनैप? रजनी को अगर जल्दी पैसे कमाने होते ना तो उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, किसी तरह कमा लेता। उल्टे सीधे रास्ते से पैसे कमाना रजनी की फितरत में शामिल नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। बाय, चलता हूँ। तुम गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें उस बच्चे का मर्डर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इट्स ओनली किडनैपिंग मैन, किडनैपिंग। उनके पास बहुत पैसा है, तुम उसे किडनैप करके यहाँ लाओ और हम उनसे मुंह मांगी कीमत मांगेंगे। ओनली ब्लैकमेलिंग, ओके? और जब वो पैसे देंगे तभी उस बच्चे को आराम से जाने देंगे। उस अमाउंट में 25% तुम्हारा। लेकिन मुझे लगता है ये तुम नहीं कर पाओगे। मेरी डिक्शनरी में नाश शब्द नहीं है। अब आया ना मजा। आई लव दिस स्प्रिट मैन। और हाँ, तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो ना, ये ना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके घर में एक आयरन मैन रहता है जो उसकी देखभाल करता है। वो हर समय उसके साथ है, साई की तरह पीछे लगा रहता है। क्या उससे फाइट करने की हिम्मत है तुम में? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में उसके जैसे कई आयरन मैन देखे हैं। उसके बच्चे को कब, कैसे और कहां से उठाकर लाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। एड्रेस दो। दैट्स गुड। रतनलाल मार्ग 7 बंगलो, त्रिभुवन नगर।
मैं बच्चे के साथ आऊंगा, मेरा हिस्सा तैयार रखना, एडवांस दो। एक्सक्यूज मी, ये रतनलाल रोड ही है ना? रतनलाल रोड सीधे जाकर राइट मुड़ जाओ। अच्छा, और ये रामचंद्र वकील का घर कहाँ पर है? रामचंद्र वहाँ जाओ, सब पता चल जाएगा। राजू का फ्रेंड आया है मिलने। अंदर भेजो। आपको मालकिन बुला रही है। मैं राजू से मिलने आया था। राजू से मिलने आया हूँ। हाँ, आओ। थैंक यू। बैठो। हाँ। राजू। कौन है? राजू। रजनी। राजू। राजू। रजनी। राजू। कैसा है तू? मेरी याद आती है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? और बताओ कैसे हो, क्या हाल? सर। ये कौन है? सर, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ, मंदिर में देखा होगा। मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। रामकृष्ण आश्रम में देखा होगा। मैं वहाँ भी कभी नहीं गया। मस्जिद में देखा होगा। वहाँ तो कभी मैं जाऊँगा ही नहीं। बीच पर जाता हूँ सूरज की पूजा करने, वहाँ पर देखा होगा। आज तक मैंने वो जगह देखी नहीं। अब तो क्या चिड़ियाघर में देखा क्या? सेम थप्पड़। प्रीति क्लब। सर, मैंने आपको जुआ घर में देखा है। तुम बहुत बोलते हो, ये तो आर्मी में है, फिर तुमने इन्हें कहाँ देखा? कुछ भी बोलते हो। ओहो, मुझे लगता है वो कोई और था। सर, एक चीज है, मैं आप लोगों की मदद से अर्जेंट बीट को टुकड़ों में बदल दूंगा एक दिन। सर। हाँ? कब सर? थैंक यू। चाय से। सर, ये थप्पड़ उस अर्जेंट बीट को मार दो, मैं चलता हूँ। मैंने इसे देखा है, कहाँ देखा? ये मेरे पति है और ये राजू के दोस्त है, मिलिट्री से छुट्टी बिताने आए हैं। नमस्ते जी, बैठिए जी। ठीक है। आई एम मास्टर सुरेश। हाय, आई एम रज। सैनिक की तरह हाथ मिलाओ। ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। सुरेश ना? सुरेश, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मुझसे नहीं, मम्मी से पूछो। इसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी मैडम? इसका एक कारण है हमारी दौलत। पढ़ना बहुत जरूरी है, आप इसे पढ़ने दीजिए, अभी तो इसके पढ़ने की उम्र है। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? नहीं, दरअसल मेरी 7 दिन की छुट्टी है, मैं यहाँ कहीं भी होटल में एक छोटा सा रूम लेकर उसमें रह लूंगा, और जब मन करेगा राजू से मिलने आ जाऊंगा। इधर उधर क्यों जाओगे, इतना बड़ा बंगला खाली पड़ा है, तुम यही रह जाओ ना, कहो ना जी। नहीं नहीं, मेरी वजह से आप लोग तकलीफ मत उठाइए। तकलीफ कैसी है, तुम यहाँ रह जाओगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। एक बहुत बड़ा गैंग इस बच्चे को उठाने की साजिश कर रहा है, अभी कल ही रात वो इसे उठाने आए थे। कल रात तो इनकी वजह से बच गए, अभी तो हमारे बच्चे के
खेलने कूदने के दिन हैं, लेकिन किडनैप होने के डर से हम इसे कहीं भेज भी नहीं सकते और ना ही किसी पर विश्वास कर सकते हैं। अब आप ही बताइए ना। भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मेरी 7 दिन की छुट्टी है। आप अगर चाहेंगे तो मैं अपनी छुट्टी बढ़ा लूंगा और उस गैंग को यहाँ से खत्म करके ही जाऊंगा। क्यों, ठीक है ना राजू? और मैं भी इसी कारण से यहाँ पर हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू, अपने कमरे में ले जाओ। नमस्ते लक्ष्मी, तुम्हें एक अनजान आदमी को अपने घर में रोकने की क्या जरूरत है? अपने भाई को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अब अपने बच्चे को नहीं नहीं खो सकती। उसे जितना उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे बार बार याद आता है। इसे यहीं रहने दीजिए ना। It's all right, जैसा तुम ठीक समझो। गुरु, रजनी, रजनी, उठो, उठो। गुरु, तुम्हारे घर से सामान चुराया, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे, तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारे ही जैसा काम शुरू कर दिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों गुरु, हम लोग ऐसा करते हैं, आपस में सारा मामला फिट करके 50-50 बांट लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा चलो 60-40। रजनी, अच्छा 70-30। देखो, अब मैं वो राजू नहीं रहा जिससे तुम कभी मिले थे, अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। जिस रजनी ने तुम्हारी जिंदगी बदली थी, अब वो नौकरी ढूंढते ढूंढते मर चुका है राजू। तुम्हारे सामने रजनी, रजनी द बॉस, क्रिमिनल नंबर 1। अब मैं करोड़ों का बिजनेस बड़े आराम से कर लेता हूँ एक ही दिन में। गुरु देखो, तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो कि तुम बदल गए हो, लेकिन मुझसे नहीं, यहाँ का सारा माल आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना गुरु? सही कह रहे हो रजनी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे कहे हुए हर एक शब्द मेरे दिल को छू गए थे। अब मैं जॉब पर हूँ। उस दिन तुम ही ने कहा था कि मैं खाने के लिए कुत्ते की तरह नहीं भटकता, और आज तुम ही कुत्ते की तरह भटक रहे हो। थू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त। तुम कुछ भी कहो, अब मेरी जिंदगी में शांति है, मेरे लिए यही बहुत है। अरे यार, यहां पर तुम किस लिए आए हो? आओ देखो, अगर हम लोग इसके बेटे को उठाकर उस गैंग को सौंप देंगे ना, तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है, मजा आ जाएगा। गुरु अपना काम जल्दी से शुरू कर दें। देखो देखो देखो, रात को मैं ही यहाँ पर आया था, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, अगर तुम साथ दोगे तो हो जाएगा। तो रात में तू ही आया था? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे गुरु, जाओ यहाँ से। ए, इज्जत से बात करो तुम। वाह, तुम मारपीट करोगे? देखो, अगर गुरु ने चेले को हरा दिया तो ठीक है, पर चेले ने कहीं गुरु को हरा दिया तो बहुत बुरा होगा। मेरे साथ खेलो नहीं, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? दारू पिलाकर पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा। सोच ले, मैं पुलिस को बुला लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पुलिस आएगी तो सबसे पहले तुम्हें पकड़ेगी, उसके बाद ही मुझे पकड़ेगी। मैं अपने आप को बदल चुका हूँ। हाँ, तुम तो अभी बदले हो दोस्त, तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में, और तुम अपने आप को कभी नहीं बदल पाओगे, समझ गए ना? गुस्सा मत हो, यहाँ देखो, ये देखो, कुछ याद आया? तुम्हारा चुराया हुआ है। नहीं नहीं, तुम्हारी याद में मैंने ये लॉकेट इसलिए पहनकर रखा है कि मैं तुम्हें काबू में रख सकूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम क्रिमिनल बन जाओगे। तुम्हारा आशीर्वाद है। ये सब तो मैंने तुमसे सीखा, और उसी की वजह से आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ। और मैं जब एक बड़ा काम करने आया हूँ तो तुम मुझे भगा रहे हो। एक बात याद रखना कि मैं अपना काम किए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े करूँगा। नहीं, मैं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे होने दूंगा, न तो उस बच्चे का किडनैप होने दूंगा, समझे? हैं? ठीक है, तो मैं उस बच्चे का किडनैप करूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। चैलेंज? चैलेंज। ठीक है, तो याद रखना, जब तक हम इस घर में हैं, एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ओके? ओके। शंभुनाथ, क्या है मैडम? सुरेश का टिफिन तैयार करो, कहाँ है वो? मैं भी उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मुझे भी मिल नहीं रहा? हाँ मैडम, वो कहीं खो गया है, मैं सवेरे से उसे ढूंढ रहा हूँ। अंदर वाले कमरे में होगा, देखो। क्या बात है लक्ष्मी, सुरेश सवेरे से दिख नहीं रहा है। तो राजू के साथ होगा क्या? सुरेश? हाँ। मेरे रूम में भी नहीं आया मैडम। नहीं आया तो फिर वो गया कहाँ? शंभू इधर आओ, तुमने अच्छी तरह से देखा उसे? हाँ मैडम, मैंने सब जगह ढूंढा उसे। क्या कहा? तो फिर वो सुबह से कहाँ गया? मुझे डर लग रहा है। लक्ष्मी, तुम मेरी बात नहीं मानती, तुमसे कितनी बार कहा मैंने, एक अनजान आदमी को अपने घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, वो भी घर में नहीं है। चिंता मत कीजिए, मेरे रहते उसे कुछ भी नहीं होगा। A for apple, B for baby, C for chocolate, D for daddy.
सुरेश, बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं तो अंकल के साथ छत पे खेल रहा था, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई। बहुत अच्छे, फिर तो अच्छा टीचर मिला। आपने इसकी पढ़ाई रोक दी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खाना खाने के बाद इसे छत पर ले गया था और वहाँ जाकर इसे इंग्लिश पढ़ाने लगा। मालकिन, तुमने जो दूध रख के आया था वो पूरा का पूरा गिर गया। मम्मी, अंकल ने मुझे बहुत कुछ और भी सिखाया। बेटा, वो अंकल कैसे हैं? अंकल, आपको एक बात बताऊं, ये अंकल तो बिल्कुल बुद्धू है। सुरेश, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? नहीं मैडम, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। क्या बताओ मम्मी, इन्होंने मुझे कभी इंग्लिश नहीं सिखाई, बल्कि मुझे इनको ही सिखानी पड़ती है। कितना सर दर्द है। सुरेश, तगड़े आदमी को कभी बेवकूफ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। चलो अंकल से माफी मांगो। अंकल, सॉरी अंकल। ये क्या है लक्ष्मी, ये इन दोनों से इतना घुल मिल गया है कि हम दोनों को तो बिल्कुल भूल ही गया है। वो क्या है ना, बच्चों के साथ घुलना मिलना एक कला है, इसको पढ़ाई करके नहीं सीखा जा सकता। तुम बहुत शरारती हो गए हो, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। आओ गुरु, बुरा मत मानना, बच्चे ने तुम्हें बेवकूफ कहा, लेकिन तुम हो ही ऐसे। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना बताए मैं बच्चे का किडनैप बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ गए ना? दिमाग पर जोर मत दो, जाकर आराम करो। बाय। ए, मेरे साथ चलता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? मार खाएगा नहीं तो मैं कह देता हूँ पहले से। देख, मेरे यहाँ से फटना नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ चल। देख, मेरी बात मान ले, चुपचाप चल मेरे साथ। मेरे साथ चलता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? मार खाएगा नहीं तो मैं कह देता हूँ पहले से। देख, मेरे यहाँ से फटना नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ चल। देख, मेरी बात मान ले, चुपचाप चल मेरे साथ। बैठ बैठ, क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, बैठना। बदमाश कर, चल बैठ। बदमाशी करता है, चला तेला। ओम शंकर शंभो ओम गणपते ओम गणपते दस्सम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम दस्सम हरि ओम हरि ओम शांति शांति शांति। उठ, चलो। क्या कर रहे? मगे से पानी डाल। क्या ठंडा पानी है। हाँ चल, शैंपू दे, ला दे। हाँ शाबाश बेटा। हाँ वाह 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 राजा बेटा। हाँ बढ़िया। हाँ और अच्छा लग रहा है। हाँ खड़ा हो जा। वाह राजा बेटा, राजा। थूप थूप थूप, आजा। ए ले जाकर पानी फेंक दे। अरे आप लोग कब आए? ये तेल मालिश बहुत अच्छी करता है। हम लोग शनिवार और बुधवार को तेल लगाते हैं, अच्छा रहता है, बुजुर्गों का कहना है ये। मुझे पता है, लेकिन अगर इसे तेल लगाने के लिए मैं कटोरा हाथ में लूं तो दूर भाग जाता है ये। बहुत बदमाश है ये। तुम्हारी और इनकी बात मानता है सिर्फ, मुझे तो लगता है अब हम दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ही बेटा है। अब मुझे इसकी चिंता नहीं है, इतना घुल मिल गया है ये आपसे कि अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाल गीले हैं, पोंछ दीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। देखा ना गुरु, किसी और को बच्चे की केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ। मेरी पोजीशन कैसी बदल रही है? यहाँ तूने मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसीलिए मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। ये जब मुझे अंकल कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप जब मुझे भाई कहती हैं तो उसमें प्यार झलकता है। मैंने तुम्हें कभी बाहर का आदमी नहीं समझा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मैं आपको बहन कह सकता हूँ? अगर मुझे बहन कहोगे तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ला 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 ला। गुरु गुरु गुरु।
लक्ष्मी, मुझे मालूम है तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आ रही है। जितना उसे भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो मुझे बार बार याद आता है। लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत अभी खराब थी, अभी तो तुम जाकर संभली हो, और फिर वही तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें फिर डॉक्टर और दवाई की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्या हो रहा है लक्ष्मी? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? मुझे जरूरत नहीं। क्या हो गया? देखो इसे, जब भी ये सोचने लगती है तो बीमार पड़ जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर ये परेशान हो जाती है? क्या बताऊं अब, डॉक्टर ने सोचने के लिए मना किया है लेकिन मानते ही नहीं है, और अब देखो फिर से। परेशान मत होइए सर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर सर, मैं तिरुपति भगवान से इनके लिए प्रार्थना करूंगा। सर, मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना जरूर सफल होगी। सर, दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलता हूँ सर, चलता हूँ। जब भी मैं रजनी को स्नेह और प्यार से देखती हूँ मुझे अपना भाई याद आ जाता है। चलो लक्ष्मी, अब तुम आराम कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रसाद लो बेटा। ये क्या है अंकल? प्रसाद है बहन, आप भी प्रसाद खाओ। ये क्या है? प्रसाद है, जब आपकी तबीयत खराब हो तो इसे खा लीजिएगा, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। कौन से मंदिर गए थे? तिरुपति मंदिर गया था। अचानक क्यों चले गए? भगवान से कुछ मांगने गया था और प्रार्थना करके आया हूँ कि वो पूरी हो जाए। कैसी प्रार्थना? ये मत पूछिए। क्यों नहीं पूछ सकती? कुछ नहीं मैडम, मैंने आपकी सेहत के लिए तिरुपति भगवान से प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ से नंगे पैर चलकर तिरुपति के मंदिर में गया था। वहाँ दिन भर बैठकर प्रार्थना करता रहा और आप यहाँ बिल्कुल ठीक होती गई। इतनी दूर पैदल गए थे तुम? फिर कौन जाता आपके लिए, डॉक्टर तो जा नहीं सकते थे, और सुरेश अभी छोटा है, और ये इतना बड़ा शरीर है इनका, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ पाते ये, इसलिए मैं ही चला गया। आज मुझे कि तुम मेरे भाई बनकर क्यों नहीं पैदा हुए? बाप रे। हे, सच सच बताओ, क्या तुम सच में तिरुपति गए? तुम्हें क्या लगता है मैं नंगे पैर तिरुपति जाऊंगा? मैं पागल हूँ क्या? वही नुक्कड़ के मंदिर से प्रसाद और भभूत लेकर उसको खिला दिया बस। मासूम महिला को धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, नहीं आती। धोखा देकर ये से मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, देख लेना, एक दिन ये लोग धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे, भभूत लगाओ तुम्हें बुद्धि आ जाएगी। लो लगाओ। हाँ, इसकी जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें, ये लो लगा लो और सही रास्ते पर चल पड़ो। गुरु, दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया। अरे आओ गुरु, मुझे एक आदमी की जरूरत है, चलोगे क्या? रजनी, जिस आदमी के हाथ में कभी चाकू हुआ करता था उसी आदमी को तुमने एक दिन जीसस, गांधी और बुद्धा की शिक्षा दी थी, उसी के हाथ में आज सिगरेट है। शेह, ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे भी तुम्हें देखकर दुख हो रहा है। दादा परदादा आए और एक दिन सब के सब चले गए, एक दिन तुम भी चले जाओगे यहां से। क्या गलत है क्या सही है ये कोई नहीं बता सकता, लोग हमें पापी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो जुआ खेल सकते हो, शराब पी सकते हो, भांग खा सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आजकल बड़ी बड़ी बातों से ही काम बनता है। गुरु, तुम्हारे जैसे बिगड़ेल आदमी को इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक नहीं बदला जा सकता। देखो, तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 100 साल तक जिंदा नहीं रहना चाहता, समझे? हाँ, मैं चाहे 40 साल तक जीऊंगा लेकिन अपने तरीके से जीऊंगा, और मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगा। तुम जाओ। तुम चाहे 40 साल जियो या 50 साल, अगर तुम्हें मरने के बाद शांति चाहिए तो सारे ये बुरे काम छोड़ दो, ये किताबें पढ़ो मूर्ख। महाभारत के 18वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आइए आइए आइए। रजनी, एक बात बताओ मुझे, ये राजू और तुम में इतना अंतर क्यों है? क्या किया राजू ने? इधर देखो, तुम कितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, और एक वो नालायक है जिसे सिगरेट से फुर्सत नहीं। राजू एक अच्छा इंसान है सर, उसे गलत मत समझिए,
उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है सर। अगर वो कभी परेशान होता है तो एक आध सिगरेट पी लेता है और कभी कभार रमी खेल लेता है सर। रजनी तुम्हारी सोच कितनी ऊंची है, तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हो। यू आर ग्रेट रजनी। नहीं सर, मैं महान नहीं हूँ सर। महान तो राजू है जिसके कारण मैं संस्कारी परिवार से जुड़ पाया हूँ सर। वो मेरा दोस्त नहीं होता तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करता सर। गुड, वेरी गुड। ये बुढ़ा खूसा पहले ये मुझसे कितना चढ़ा करता था, लेकिन गुरु की वजह से आज ये मेरी तरफ हो गया है। नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा ड्रामा देखने गए हैं, आने में देर हो जाएगी। चलो खाना खा लो, चलो। मुझे नहीं सोना, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? ना तुम्हें गाना आता है, ना तुम्हें डांस करना आता है, कुछ भी नहीं आता, कहानी भी नहीं सुनाते हो। तुमसे किसने कहा मुझे गाना नहीं आता? मैं अच्छा डांस भी कर सकता हूँ। अच्छा? करता हूँ ना। अच्छा तुम माधवन को जानते हो क्या? नहीं जानता। नहीं जानते? वो इस शहर का एक बहुत ही अच्छा टाइगर डांसर है। तुम्हारे इस राजू ने उसी से टाइगर डांस सीखा है। तुम्हारा वो रजनी मेरे डांस के सामने कुछ भी नहीं है। इनकी बातों से लगता है कि इनको बहुत अच्छा डांस आता है। इसी तरह डांस करता रहा तो खाना जल्दी पच जाएगा। सुरेश, 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 हे, पानी लेके आओ। सुरेश, हमें क्या करूं? करना क्या है? डॉक्टर को फोन करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब बाहर गए हैं। वो कब तक आएंगे? एक घंटे में आएंगे। एक घंटे बाद आएंगे? अरे यार डॉक्टर को आने में एक घंटे लगेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे क्या, अब सुरेश कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? पता नहीं। रजनी सुरेश को लेकर जा रहा है, मैं देखता हूँ। सर सर, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? जब आप लोग ड्रामा देखने गए थे तब सुरेश जिद कर रहा था कि वो नहीं सोएगा। मैंने टाइगर का मास्क लगाकर डांस किया जिससे देखकर वो बेहोश हो गया। जब मैं डॉक्टर को फोन करके लौटा तो देखा सुरेश और रजनी दोनों वहाँ से गायब थे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमें बच्चों के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू वो अपने कहीं दोस्त के यहाँ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि बच्चा गायब। राजू वो दोनों अपने कमरे में है। वाह 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 वाह, तुम्हारे चेहरे पर काला दाग है, साफ कर लो। मजाक मत करो, ऐसा मजाक ठीक नहीं। ए तुम्हारा ये पागलों वाला डांस देखकर बच्चे को बुखार आ गया था, डॉक्टर के पास ले गया था और उसे दवा दिलाकर ला रहा हूँ। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ी गलती की बच्चे को वहां से ले जाकर। चुप, बच्चा सो रहा है, चिल्लाओ मत, जाओ यहाँ से। सुरेश आज हम लोग 5-स्टार होटल में जाएंगे, ठीक है? हाँ गाड़ी रोको, ये 5-स्टार होटल है, यहाँ घर की तरह ज्यादा खाना नहीं खा सकते, नहीं तो बिल ज्यादा आ जाएगा, समझ गए? पहले आप चलिए, आइए। ए, रुको 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 रुको, कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ रहते हो आजकल? कुछ
पता ही नहीं तुम्हारा? हाँ? आप कौन है? तो काफी अमीर हो गए हो तुम। आप किसको ढूंढ रही हैं? ओहो, तो तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, याद रखना, अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा पाप तुम्हें सात जन्म नहीं छोड़ेगा, याद रखना। मुझे लगता है तुम्हें पहचानने में भूल हुई है। नहीं, मैं कसम खाती हूँ, ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। एक लड़की अपने माँ बाप और भाई को भूल सकती है, लेकिन उसे नहीं जिसे प्यार करती हूँ। क्या कह रही है? देखो दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। शायद मेरा चेहरा उससे मिलता होगा जिसको ये तलाश कर रही है ना। आइए आइए। सुनो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम गंगा नहीं। रुको बहन, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, तुम मुझे अपना भाई ही समझो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। करने लगी? छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो? अरे तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं। हाँ। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? दो दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो, जाके अपना रास्ता ना पाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बात ऐसी है कि वो जब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम दोनों को, अच्छा दिन देख कर शादी करवा दूंगी। ऐसा है कि राजू और मैं अच्छे दोस्त हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, और राजू से मैं कोई भी बात नहीं छुपाता, लेकिन इस बार मैंने इस लड़की की बात छुपाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया। बनो मत, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं समझ गई हूं। आप हमसे बड़ी हैं इसलिए शांति से जा रही हूं, वरना इसने जो मेरे साथ किया इसकी शक्ल भी नहीं देखती। नमस्ते। गुरु? क्यों गुरु, जब मैं नहा रहा था तो तुमने मेरी चेन चुरा ली, ये तुमको शोभा नहीं देता, ला दो। रजनी, ये तो अच्छा हुआ ये मुझे मिला, अगर ये किसी और को मिल जाता तो मेरा क्या होता सोचा है, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगा। गुरु, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक जेंटलमैन आदमी हूँ, मैं कभी गलत काम नहीं करता, ला दो। देखो, मैंने ये तय कर लिया है कि तुम्हारा घर का ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, तुम अपने प्यार से शादी करो और अपना घर बसाओ, समझे? मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, अब ये बताओ कि तुम मुझे इज्जत से चेन देते हो या मैं खुद ले लूं? तुम ये मुझसे आसानी से नहीं ले पाओगे। ये चेन तो मैं तुम्हारे बाप से भी लेकर रहूंगा। रजनी, ले सकते हो तो ले लो। Thank you.
अंकल। अंकल, ये ना मुझे गार्डन से मिला, मैं मम्मी को दिखा के आता हूँ। सुरेश, ये तुम्हें कहाँ से मिला? गार्डन से मिला मम्मी। ये तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें दिया था जब तुम 3 साल के थे। इसके गुम हो जाने के बाद हमने बहुत कुछ सहा है। सुनिए, हमारा खोया हुआ लॉकेट मिल गया। कहाँ मिला लक्ष्मी? सुरेश को मिला गार्डन में। क्या लक्ष्मी, जिसको हम 3 सालों से ढूंढ रहे थे वो अपने गार्डन में ही मिला? ए सुरेश, वो दोनों अंकल कहाँ हैं? रजनी अंकल और राजू अंकल फाइट कर रहे थे। Something wrong. रुको, इसे पहचानते हो? तुम दोनों में से ये लॉकेट किसके पास था? तुम दोनों मुझे बताते हो या मैं पुलिस को फोन लगाऊं? मेरे पास था। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ना आपसे, ये लॉकेट मेरे पास था। कैसे आया तुम्हारे पास, बताओगे मुझे? लक्ष्मी, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर तो मुझे पहले ही शक था। मैं अभी जाकर पुलिस को लेकर आता हूँ। रुकिए, ये सच है कि रजनी के पास था, लेकिन मैंने ही उसे रखने को दिया था। राजू, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को दोषी बना रहे हो। नहीं, जब आप लोग 3 साल पहले बीच पर घूमने आए थे तब मैं ही था जो आपके बच्चे की चेन चुरा कर भाग गया था। करेक्ट, आज से 3 साल पहले ये चेन बीच से ही चोरी हुई थी। इससे आपको पता चल गया होगा कि चोर मैं ही हूँ। चोर कोई भी हो, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। पुलिस को फोन कर रहे हैं? यस। जरूरत नहीं है, आप राजू को उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं जो उसने बहुत पहले किया था। आप एक मिनट में ये बात भूल गए कि उसने आपकी फैमिली के लिए क्या क्या किया है। मुझे सफाई मत दो, मैं जानता हूँ ये तुम दोनों ने ही प्री प्लान किया होगा। देख लिया राजू, अगर आप इस दुनिया में लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो इसका फल आपको क्या मिलता है। सर, राजू एक जमाने में चोरी का काम किया करता था, बीच पर आने जाने वाले लोगों का ये सामान चुराया करता था, लेकिन आज राजू पूरी तरह बदल चुका है। अब राजू अपराधी नहीं रहा, वो पूरी तरह बदल चुका है। आपको उसे माफ कर देना चाहिए सर। रजनी ठीक कह रहा है, राजू को माफ कर दीजिए। राजू, गेट आउट, मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। रजनी, एक बात याद रखना, सत्य जीतेगा। चह, कितना घटिया इंसान निकला, मैं तो सोचता था कि ये बढ़िया इंसान होगा। वो एक अच्छा आदमी था सर, खतरनाक आदमी तो यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हो? बताता हूँ, चलिए आइए आइए। हेलो रजनी बोल रहा हूँ, जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था वो पूरा हो गया। पूरा हो गया, जो काम मैं यहां पर करने आया था वो पूरा हो गया। दोस्ती जो आप लोगों ने देखी थी वो सिर्फ एक नाटक था, मैं तो इस घर में बच्चे का किडनैप करने आया था। मैं तो सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था यहां पर, और आज वो मौका मुझे मिल ही गया। होल्ड इट, एक सच्चाई बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे इस काम में बहुत बड़ा काटा था राजू। अगर वो यहां पर रहता तो मैं इसका किडनैप कभी भी नहीं कर पाता, इसलिए मेरे लिए जरूरी था कि सबसे पहले मैं राजू को यहां से निकलवाऊं, और हम एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ये हमारा एक दूसरे से वादा था। और राजू जानता था मैं यहां क्यों आया हूं, और मैं राजू के बारे में अच्छी तरह जानता था। उस राजू को मैंने कितनी बार समझाया कि इस दुनिया में साधु बनने का कोई फायदा नहीं है, पर वो मेरी बात नहीं समझा, शराफत में मारा गया बेचारा। चलो अब गाड़ी मंगाओ।
अगर गलती से भी तुम लोगों ने रजनी के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम इस बच्चे को जान से मार डालेंगे। जाओ जाओ। यू टू होशियारी करता है सुरेश, सुरेश, छोड़ दो मेरे बच्चे को। चलो अंदर जल्दी। जाने दो। ए, किसी ने भी चालाकी की तो बच्चे को मार डालूंगा। चलो जाओ। ए धरा, तुम अर्जेंट पेट के बारे में बोल रहे थे ना? रजनी, राजू, रजनी, मैं कह रहा हूँ बच्चे को सीधे तरह से छोड़ो। ए, राजू, मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन भी तुम इस घर से चले जाओगे उस दिन मैं उस बच्चे का किडनैप कर लूंगा। आज तुम घर से चले गए, आज मैं इसको किडनैप कर रहा हूँ। तुम मेरे रास्ते में आओगे तो बहुत खतरनाक होगा। हटाओ। उस घर में इसलिए रह रहा था क्योंकि मुझे इस बच्चे को किडनैप करना था और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। अरे पापी, तुमने एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। पाप पुण्य की परवाह किसे है, मुझे तो पैसे चाहिए। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? कैसे आदमी हो, दिल नहीं है तुम्हारे पास? अगर किसी ने मुझ जैसे बच्चे के साथ 25 साल पहले दया दिखाई होती तो मैं अपनी बहन से नहीं बिछड़ता। मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ते। तुम्हारी बहन है? हाँ, गांधी गांव में कोई ऐसा नहीं था जो लक्ष्मी और रजनीनाथन के बारे में नहीं जानता था। हम भाई बहन का प्यार एक उदाहरण था। एक अमीर लड़के ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसके झूठ के कारण मुझे पूरी जिंदगी अनाथालय में गुजारनी पड़ी। पढ़ाई पूरी करके मुझे सड़कों पर काम ढूंढना पड़ा। उस समय मैं सच्चाई की जिंदगी जीना चाहता था लेकिन तब इस समाज ने मुझे अच्छा इंसान नहीं बनने दिया। मेरे दोस्त की बात ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, इसलिए अब मेरे लिए अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं है। अब मैं पूरी तरह अपने आप को बदल देना चाहता हूँ हर हाल में। हे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, मैंने उसे गंगाई घर में देखा, वो उसे बता रहा था। That's good. अब मैं उसकी सारी कहानी समझ गया, अब बदलेगी हमारी किस्मत। हेलो रवि, रजनी, मेरा काम हो गया क्या? रजनी अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, बच्चा मेरे पास है। तो फिर क्या, बच्चे को मेरे हवाले करो और अपने हिस्से का पैसा मुझसे लेकर जाओ। I'm sorry dear, मुझे इस बच्चे का मार्केट रेट चाहिए। मार्केट रेट चाहिए? हाँ भाई, वो बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता वारिस है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर उस बच्चे की कीमत आपको करोड़ों मिलेगी तो मुझे मिलने वाली कीमत इतनी कम क्यों हो? तुम चाहते क्या हो ये भी बताने की जरूरत है? 50-50। अगर मैं तुम्हें ज्यादा दूं तो क्या मना करोगे? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी एक बहन है ना, उसे तुमसे कुछ लोगों ने अलग कर दिया था और तुम्हें चोर साबित कर दिया था। हाँ, पर लेकिन तुम्हें कैसे पता? अगर अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रवि, गंगा, सुनो, मुझे मुझे मेरी बहन मिल गई है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ये रहा बच्चा, अंकल, मुझे मेरी बहन का पता बताओ। हाँ? तुम्हारे बहन का मार्केट रेट थोड़ा अलग है। तुम्हारी बहन ये एक सिर्फ तुम्हारे परिवार में है, मैं जानता हूँ, और तुम सालों से उससे मिलना चाहते हो ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर इतनी आसानी से मिलने नहीं दूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मेरा बिजनेस आजकल लॉस में चल रहा है, तो तुम मेरा एक काम कर दो कि अपनी बहन से 50 लाख रुपए लेकर आ जाओ। कैसे लाना है सुनो, अपनी प्यारी बहन से लेकर आओ, दैट्स ऑल। मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे साथ चालाकी की तो कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, मैंने पुलिस स्टेशन में खबर कर दी, अपने आदमियों को भी भेज दिया है, वो हमें जरूर मिल जाएगा, तुम धीरज रखो। यस रजनी। क्या रजनी?
मुझे दो। कहाँ है मेरा बच्चा? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो जिंदा है, चिंता मत करो। मुझे बात करने दो, अपने बच्चे से एक बार बात करने दो। वो सब बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो पहाड़ी के मंदिर में 50 लाख रुपए ले आना। मैं अभी आती हूँ, तुम जैसा चाहोगे होगा। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हें अकेले आना होगा। अगर पति या पुलिस को बताने की कोशिश की तो बच्चे को खत्म कर देंगे, याद रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस मैं आ रही हूँ। अकेले जाना होगा मुझे, मुझे अकेले जाना होगा, मैं जा रही हूँ। तुम जल्दबाजी मत करो, मुझे मत रखो, जाने दो। तुम दोनों की जान को खतरा है। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, पुलिस को रिपोर्ट मत करना वरना वो उसे मार देंगे। थैंक्स। किस बात का थैंक्स दे रहे हो? ये पैसे पहुंचाने के लिए, और किस बात का थैंक्स कहूंगा मैं? एक बात कहूं, कभी भी उन लोगों का फायदा मत उठाना जो तुम्हें स्नेह और प्यार दे, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा इंसानियत से। एक समय था जब मैं भी ऐसी बातों पर विश्वास करता था, पर अब नहीं करता। अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं आपसे ये पैसे क्यों ले रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं कहेंगी। मैं ये सब नहीं जानती। तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल गए ना, लेकिन भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बहन, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का आखिरी अपराध है। इसके बाद मैं सच्चाई की जिंदगी जीऊंगा। तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है मुझे। ये रहे तुम्हारे पैसे, बताओ मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारे लिए वो नई जगह नहीं है। साफ साफ बताओ। जिस बहन से मिलने के लिए इतने उतावले हो उसके बारे में जानना चाहते हो, जिससे तुमने कहा है कि तुम मिलिट्री में हो, वही लक्ष्मी तुम्हारी बहन है। क्या तुम सच बोल रहे हो? चौथी कक्षा में जो तुमने ड्रामा कंपटीशन में प्राइज जीता था, याद है तुम्हें? तुम्हारी बहन को याद है, बाकी सच्चाई तुम्हें वहीं जाकर मिलेगी। देखो जी, मैं ले आई सुरेश को। क्या हो गया आपको? आपको खुशी नहीं हुई? अगर मैंने उसे खो कर पाया होता ना तो जरूर खुश होता, लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अपने भाई को 50 लाख रुपए देना चाहती थी ना, मैं उससे भी कहीं ज्यादा देता। लक्ष्मी, अरे शर्म आ रही है मुझे तुम पर, अपने ही बेटे का अपहरण करा दिया। तुम जानती थी कि रजनी तुम्हारा भाई है? भाई है? ये नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो आप? Shut up! क्या तुम्हें पता नहीं था कि रजनी तुम्हारा सगा भाई है? रजनी मेरा भाई? छी छी, उस जैसा शैतान मेरा भाई नहीं हो सकता। तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हो। रजनी तुम्हारा भाई है ना, और तुम उसे लाखों रुपए देना चाहती थी। अरे डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुम उससे भी बदतर हो। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने मेरे बारे में? मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, और तुम हो कि उस शैतान को मेरा भाई कह रहे हो? वो शैतान मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो मैं उसका गला दबा दूंगी। याद है आपके भाई ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था? आपके पापा अच्छी तरह जानते थे कि वो बेगुनाह है, इसीलिए उसे जेल से छुड़वाने गए थे, लेकिन वो ये अपमान सहन नहीं कर पाया और वहां से भाग गया। आज तक वो भाग रहा है, पता नहीं कहां होगा वो, और मैं यहाँ तड़प रही हूँ उसके लिए। किस हाल में होगा मेरा भाई, किस हाल में होगा? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपको देखने आया था, लेकिन शर्म से आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, हो कौन तुम? मैं आपका सगा भाई हूँ, रजनीनाथन।
पहले मैंने आपके बेटे का किडनैप किया था सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन बाद में मैंने आपसे पैसे इसलिए मांगे कि बहन से मिल सकूं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे आपका पता बताएगा, इसी वजह से मुझसे ये गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। ऑलराइट, तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा। क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना है। आप इसे क्यों निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें बाहर निकल जाने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और हाँ, मैंने तुम्हारी बहन से शादी क्यों की थी जानते हो? क्योंकि ये मुझे एक सांस्कारिक लड़की दिखी थी। अब तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो, जाओ निकल जाओ इस घर से। सर, मेरी बहन का इस पैसे और प्लान से कोई संबंध नहीं है, ये सब मेरा प्लान था सर, और इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप इन्हें कुछ मत कहिए सर। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको जरूर किसी ने भड़काया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, ये सच्चाई मेरे भाई ने, रवि ने मुझे बताई। ए रवि। जी भैया। आपने बुलाया? रवि, बता दो इनको सच्चाई। ये और इनकी बहन दोनों साथ में मेरे क्लब में आए, 5 लाख में मेरे क्लब को खरीदना चाहते थे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे छानबीन करने के बाद पता चला ये पैसा मेरे बड़े भाई का है, इसलिए तुरंत मैंने सच्चाई भाई को, अपने भाई को मैंने बता दी। सर, यही है वो जिसने मुझे बच्चे को किडनैप करने के लिए भेजा था, और इसी बदमाश ने मुझसे पैसे मांगे थे। सारा प्लान इसी का था सर, अब ये सारा दोष मुझ पर डाल रहा है। Stop it! Stop it this nonsense! मेरे भाई को धमकी दे रहे हो, वो मेरा भाई है मेरा, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सर, you shut up and get out! अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर, ये सच्चाई राजू जानता है, मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ, वही ये साबित कर सकता है कि ये झूठ है। राजू, तुम आ गए? राजू, तुम्हें पता है कौन है? ये मेरी बहन है राजू। ये लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने और उसने मिलकर बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया। राजू, तुम इन्हें बता दो कि मेरी बहन बेकसूर है, बता दो प्लीज राजू। चिंता मत करो, मैं सब सच बताता हूँ। सच बात तो ये है कि रजनी और उसकी बहन दोनों ने मिलकर ये गेम किया। राजू, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिर गए, क्या हो गया तुम्हें? सर, मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है, अब आगे आपकी मर्जी। नहीं, पापा, ये नहीं हो सकता। नहीं, पापा, समझ कीजिए। पापा, मत कीजिए ऐसा। पापा, खोलिए, दरवाजा खोलिए, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। थैंक यू वेरी मच, तुमने सही समय पर साथ दिया। फाइन, हम दोनों मिलकर अब इस दौलत का मजा उठाएंगे। हाँ हाँ बहन। क्या मिला तुम्हें? मैंने बचपन में तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सहन किया और तड़पती रही, तुम्हारे लिए सारी जिंदगी तड़पती रही, लेकिन क्या मिला मुझे? सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन तुम होगी आए मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा, फिर चाहे मेरी जान भी चली जाए परवाह नहीं। कहाँ है वो पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे, बताओ। राजू, डोंट मूव लिटिल बॉय, आवाज से आपका ये राजू भाई मेरे लिए काम करेगा। ओहो, तो तुम ही ने मेरे खिलाफ गवाही दी है। बिल्कुल ठीक, तुमने मुझे पुरानी जिंदगी में कई बार लौटने के लिए मजबूर किया, मैं निर्दोष था, पर उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया, मैं कुछ न कर सका। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। थू, समझे कुछ? अब हमारे बनाए प्लान से हमें लाखों का फायदा होगा, हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, समझे कुछ? कैसे रही? चल यहां से, चल, ए निकल यहां से, मत करिए, ए चल बैठ, अब गाड़ी का सब कर, चल अब, चल, ए चल से बैठ। भैया भैया, वो गुंडे उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं। अरे चलो जल्दी, चलो मामा, जल्दी से बैठो। चल। इतना हिलते क्यों हो मामा, आराम से बैठो।
चलाना। अरे चला तो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? घुटने में बहुत दर्द हो गया होगा ना? ये पूरा गेम प्लान रजनी ने नहीं हमने किया। ये सही है ना डार्लिंग? अरे पापी, तू इतना नीच निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से मैंने इन लोगों पर शक किया। तुम्हारा भाई मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था, उछल उछल के नाचता था। यू नो वन थिंग, वो लॉकेट रजनी ने नहीं चुराया था, लेकिन फिर भी पुलिस तो उसको पकड़ के ले गई थी। और आज भी पुलिस रजनी को अपने साथ लेके फिर से जेल में डाल देगी। बुढ़े, तुम लोगों की मूर्खता के कारण रजनी मेरे जाल में फंस गया। वन मिनट, पिंजरे के अंदर अच्छा लग रहा है ना? अब तुम सब लोग मेरी गोली से मारे जाओगे। नालायक बदतमीज, शर्माती है मुझे तुम पर। अभी तो और शर्माएगी मेरे बड़े भैया। इस औरत के चक्कर में तो मुझे भूल गए थे ना? चुप हो जा। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने ही भतीजे को किडनैप करा लिया। तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया, उसका ये नतीजा। आज से तू मेरी एक बात याद रखना कि तू मेरा भाई नहीं है, और आज से तू अपनी ये मनहूस सूरत हम लोगों को दिखाने की हिम्मत मत करना। बिल्कुल ठीक कहा, आज से हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे, बल्कि बहुत जल्दी ही किसी और दुनिया में। शुक्रिया रजनी तुम्हारी इस मदद के लिए। मैं अब अपने पुराने पेशे में लौट आया हूँ। मैं इसको मार डालूंगा अगर किसी ने पास आने की कोशिश की। मैं इसको जान से मार दूंगा अगर किसी ने पास आने की कोशिश की। मैं इसको जान से मार दूंगा। रवि, मैंने इसलिए सब नाटक किया ताकि सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवा सकूं और तुम्हारे भाई को रजनी और उसकी बहन पे भरोसा हो जाए, समझे तुम? छोड़ दो उसे। गुरु, बहन, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? हो जाओ शुरू। यही जगह है? यही हाँ, है यही है। वो देखो गाड़ी। एक काम करो मामा, तुम पुलिस को लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालती हूँ। अभी जाता हूँ।
गधे रास्कल, इंस्पेक्टर के सामने लड़ाई कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इनको। क्या रे, बहुत अकड़ रहा था। गड़ा गड़ा, क्लियर करो यहाँ से सब। सर एवरीथिंग क्लियर। इंस्पेक्टर ये मेरा भाई जरूर है, लेकिन इसको छोड़िए मत। मिस्टर रजनी, तुम्हारे ऊपर धोखेबाजी और चालबाजी की रिपोर्ट है। रजनी, तुम्हें इन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, रजनी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं, वो निर्दोष है। हमने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी वो हम वापस लेते हैं। इट्स ऑल राइट, बाकी सबको थाने ले चलो। इस कबूतर को भी लेके जाओ। हाँ ले जाओ, अब जाओ जेल में चक्की पीसना। जाओ चलो, जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें गलत समझा। रजनी, मैंने तुम्हें भी गलत समझा, मुझे माफ कर देना। सर, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरी बहन को हमेशा खुश रखें। आज से मैं एक नई शुरुआत करूंगा, राजू के साथ मिलकर। ऐसा लगता है जल्दी ही तुम्हारी शादी अपने भाई से अच्छा मुहूर्त देखकर करवानी ही पड़ेगी मुझे अब। दिलरुबा नहीं है अब काबू, चल गया तेरा ही जादू, दिल पे नहीं है अब काबू। जाने जा, तू है दिलरुबा।